नमस्कार, आप सभी का फिर से जनता के राज में स्वागत है। फिर से हम आपको पता बताते हैं, इस वक्त हम राजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के इस गढ़ा गांव में हैं, जो प्रसिद्ध है बागेश्वर धाम के नाम से, और इसके पीठाधीश्वर जो धीरन शास्त्री हैं। और आप देखिए कितने सारे नारियल हैं, ये लोगों की अर्जियां हैं। लोग आते हैं, नारियलों में अपनी अर्जी बांधते हैं, और जिसकी अर्जी लग जाती है, धीरन शास्त्री जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, उनका कहना है कि जिनकी अर्जी लगती है, जो यहाँ पर नारियल बांधते हैं, उनको वो बुलाते हैं, उनकी समस्या बताते हैं, और ऐसा वो कहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान भी हो जाता है। यहाँ पर दुकानदार हैं जिनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या कहानी है। और इसमें अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे कपड़ों में नारियल दिख रहे हैं, कुछ पीले हैं, कुछ काले हैं, कुछ लाल हैं, तो ये भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, तो ये सब आप ही की है जी। राकेश जी, जैसे हमें तीन तीन कलर के ये दिख रहे हैं कपड़े, इनकी कहानी क्या है? लाल, पीला, पीला और उजला और एक ब्लैक है। तो तीनों का मतलब होता है, पीला होता है शादी के लिए, जिनका शादी विवाह नहीं, जिनका शादी विवाह नहीं होता है उसके लिए है पीला, और लाल होता है मनोकामना जो होता है, व्यापार ये सब जो होता है लाल के लिए होता है। काला होता है भूत प्रेत, जिसको प्रेत बाधा होता है। अच्छा, जिसको प्रेत बाधा होता है वो होता है। एक व्हाइट कहा जाए तो बाल गोपाल के लिए, जिनको बच्चों के लिए। अच्छा, जो विदाउट, बिना कपड़े में ही, सफेद कपड़े में ही है, खाली बिना कपड़े में? नहीं नहीं, सफेद कपड़े, सफेद कपड़े में, उसमें नारे। क्या ये क्या है, क्या नाम है? मेरा नाम शेषमणि तिवारी है, मैं रीवा जिले रहने वाला हूँ। रीवा के रहने वाले तिवारी जी? हाँ, रीवा। तो ये भस्म का हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहीं से मिलती है? कहाँ से मिलती है? प्रसाद है यहाँ का, असली प्रसाद तो यही है। असली प्रसाद ये भस्म है? तो तिवारी जी कोई अर्जी लेके आए थे या वीडियो देखे शास्त्री जी के, इस वजह से आए? हमारे कुल में परंपरा है बजरंग बली की, क्योंकि रामायण में लिखा है। रामायण पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने ही बस कर राखे रामू। बजरंग बली ने भगवान राम को अपने बस में कर लिया था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको बोलिए ना, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। तो ये बताइए तिवारी जी, बोलिए, चूंकि श्रद्धा अपनी जगह, आस्था अपनी जगह है, अपने गांव में भी जो हनुमान जी के मंदिर होते हैं, उधर इतना जवाब जुड़ाव नहीं होता है, इतना भीड़ नहीं लगती है, यहाँ पर क्यों भीड़ लगती है? क्या इसलिए होती है कि यहाँ के बालाजी जो हमारे हैं, स्वयंभू हैं। स्वयंभू को मतलब समझते हैं, जो धरती से निकले से स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू। तो बालाजी यहाँ प्रकट तीसरी पीढ़ी में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हुए हैं। अच्छा, इनके ऊपर अपार श्रद्धा है। तो आप क्या उनकी पहली दूसरी पीढ़ी से कनेक्ट रहे हैं, उस समय भी आते रहे? नहीं नहीं, नहीं, मैं अभी से हुआ हूँ, अभी से हुए। महाराज जी के समय नहीं, महाराज जी के जन्मदिन हुआ था 3 या 4 जुलाई को। अच्छा, मेरे को बहुत डेट याद नहीं, क्योंकि जब ईश्वर के प्रति आस्था हो जाती है तो आदमी कुछ भूल भी जाता है। अच्छा, तो भटके हुए रास्ता मिला देने वाले हैं। सीता मैया खो गई थी, दुनिया वाले यही कहते हैं ना, जो दुनिया बताइए वो खो गई थी क्या? खो गई थी क्या? नहीं खोई थी, परंतु सब यही कहते हैं ना कि मातेश्वरी खो गई थी। क्या हुआ था फिर? आप ही बता दीजिए, आप बता रहे ना। आपने पता लगाया था, तो जब ये गए थे तो गिरहमे रुद्र रूप में गए थे आप, बालाजी हमारे गए थे, रावण को आपने समझाया था। रावण न भूतो न भविष्यति, श्रीमद वाल्मीकि में 24,000 श्लोक है, मंत्र हैं, वो जीव के आजकल तो गा बजा के रामायण सब लोग गाते हैं, आधुनिकता है, प्राच पद्धति की बताते रहे हैं। तो हनुमान जी जो हैं तो कलयुग के राजा हैं, कलयुग केवल इन्हीं से भयभीत होता है, नहीं। आप राजा कलयुग है तो हम आप कितना भी अच्छा काम करने चाहे तो अवरोध करता है भैया। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी क्राउड है तिवारी जी की, चंद्र की, बहुत सारी क्राउड है राम की, और अंदर चलते हैं, और अंदर चल के सब कुछ आपको कायदे से दिखाते हैं, बताते हैं। अच्छा, सुन के आए हैं, मतलब आपके किसी जो सहयोगी हैं या साथी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनको आराम लगा हो?